जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग में अजीबोगरीब घटना आई है। तीन लोग बड़ा बाबू बनकर यहाँ पे एक महिला का चेन लूटकर चले गए। महिला का चेन और महिला के हाथ से जो कंगना है वो लूटकर ले गए। कैसे हुआ वो सारी जो कहानी है वो महिला ने बताया। महिला ने ये बताया कि दो लोग आए, उनको बोला कि आइए बड़ा बाबू आपको बुला रहे हैं, इतना सुबह में आप जो मंदिर जा रहे हैं सोना का पहन के नहीं जाना है, आप सोना उतार के दे दीजिए। यही मामला हुआ। उसके बाद फिर धीरे 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 पता चला कि वो लोग फर्जी बड़ा बाबू बन के यहाँ पर आए थे और महिला का चेन ले गए। उनके जो बेटे हैं पोते हैं उन्होंने पीछा भी किया उनका। इधर आइए आप। हाँ, कहाँ पे घटना हुई थी और कहाँ पे वो लोग भागे थे? हाँ। यहाँ पे बैठा करके, सबसे पहले बैठा करके हम उनसे बात कर रहे थे यहाँ पे बैठा के। हाँ, वो रेड वाले पे। हाँ। और एक बाइक आदमी स्टार्ट किया हुआ था। हम हाँ। उनके पास जा ही रहे थे तो मेरे को कंफ्यूज किए और बोले यहाँ पे आओ। हाँ। यहाँ पे आके बोलने लगे ये मंदिर कहाँ पे, तो हम इनको बताने लगे। तब तक वो वहाँ पे छीने और तब तक उसका पीछा किए, बस गाड़ी स्टार्ट किए, बैठे और चले गए। कितने लोग थे? चार आदमी, दो एक पल्सर था और एक हीरो होंडा था। पल्सर एक हीरो होंडा। और घर है, महेश सोनी चौक के पास है। और देखिए जैसे ही उनका बेटा या पोता आया और वो लेके आगे भाग गए। तो यही है, आप देखिए किस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, कभी बड़ा बाबू बनकर कभी अधिकारी बनकर। तो इन सब चीज़ों से भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा कोई अधिकारी नहीं करता है भाई कि आप अपना सोना का चेन दे दीजिए हम रखवाली करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई ऐसा करता है मतलब वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों से भी सतर्क रहिए क्योंकि नया तरह का मामला हजारीबाग में आ रहा है। हाथ में मेरा डलिया था, एक हाथ में छोटा सा लोटा में जल। हम मंदिर के थोड़ा जहाँ पर घटना हुआ उससे थोड़ा दूर निकल चुके थे हम, तो एक आदमी आया, बोला कि बड़ा बाबू आपको बुला रहे। जब बड़ा बाबू का नाम लिया था, मुड़ के देखे तो देखे कि लोटा पर ऐसे पैर लटका के अच्छा पहनने ओढ़ने था बैठा। बड़ा बाबू के नाम सुन के हम आ गए, क्या बात है। हमको लगा कि कोई म्यूनसिपैलिटी उल्टी वाला कोई न कुछ पूछना चाह रहे। वहाँ पर आएंगे तो बोला कि देखिए हम बड़ा बाबू हैं, हमको ड्यूटी मिला है कि कोई भी चैन सोना के चैन कुछ भी पहने रहे तो उसको खुलवा के उसको दे दीजिए हाथ में, घर जाके पहने वहाँ नहीं जाए। हम बोले कि ठीक है, ऐसा बात है तो हम घर जा रहे हैं, घर में हम अपना चैन हाथ वाला खोल के रख लेंगे तब हम मंदिर जाएंगे। इतना में ऐसे वो तीन एगो पीछे मेरा खड़ा हुआ, तब तक वो ऐसे बोला तो हम चैन वहाँ अपन खोल के इसमें बांध लिए साड़ी में, हम घर जा रहे हैं। उसके बाद ऐसे ये मेरा हाथ में पहन लिया था, इससे करके इसे छीन लिया। हम छीन लिया तो फिर हमको लगा शक कुछ ऐसे, तो बोले कि हम बड़ा बाबू हैं, इसमें रखिए, हम रख के हम आपको दे देते हैं। खोल के चैन वहीं से हम दिए और ये सुनी निकाल तो ही वाला जो दिया। उसके बाद वो अपन मेरे चैन वही ऐसे रखा ये हाथ से वो निकाला और निकाल के हमारे हाथ में दे के लीजिए। चूड़ी है, चूड़ी ऐसा ना ये वाला दे दिया कागज में लगा के। हाँ, ऐसा की रखिए, रखे लीजिए, घर ले जाइए। अच्छा, तो हमको शक हो तो हम चोर चोर चिल्लाए, तब तो फिर बाइक से बाहर गया। कितना लोग था? पहले तो हम बाइक नहीं देखे, बोला के बैठल है, देखिए बड़ा बाबू आपको बुला रहे। कहाँ बैठे हुए थे? बड़ा बाबू के नाम लिया इसलिए हम मुड़े ना, तो हम कहे लो मुड़ते हम अपने मंदिर जाने थे, वही मुड़े वैसे बैठा था, बाइक हम नहीं देखे। और वही बात, बस उसे सब छीन लिया तो बाइक पर सवार के और फट से। कितना चीज था आपके पास? कितना चीज ले गया? एक हाथ का था और एक गला। चल, कितना का होगा वो? अब ये तो देखिए आजकल तो जानवर करते हैं कि ऐसा सोमा का है, तो पहले का बनल था मेरा। तो तीनों को पहचान लेंगे आप, चेहरा देखे थे? एक फिर जो बड़ा बाबू जिसको कह रहा उसके तो हम पहचान ही लेंगे। अच्छा, कैसा था, कितना बड़ा आदमी था? फोटो है मेरे पास, फोटो है, मैंने सीसीटीवी से निकलवाया, दूसरा फोटो है मेरे। अच्छा, दिखाइए।